हेलो गाइस, मैं उसीमा। मेरे चैनल पर आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके पास ड्राई स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपकी स्किन को हाइड्रेट, ब्राइट एंड जो है, अगर पार्टी फंक्शन के लिए आपको जो रेडी होना है या फिर जाना है, शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, तो इस फेस पैक को हफ्ते में दो बार जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी देगा, बहुत ही अच्छा ये रेमेडी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शूट कर देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके कोई चार्ज नहीं लगते, कोई पैसे नहीं लगते हैं। मैं रियल वीडियो डालती हूँ, जो चीज अपने फेस पे ट्राई करती हूँ ये ट्राई करने का ही नतीजा है। ठीक है, तो मैंने उसका हल निकालती हूँ कि ये ऑयली स्किन पे नहीं सूट कर रहा, तो मैं किसी और को ट्राई करवाती हूँ, ड्राई स्किन वालों को, कि जो है कॉम्बिनेशन स्किन वाले। और मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं इन सब चीजों में, और मैं आपके लिए रेमेडी तैयार करती हूँ, फिर वीडियो पे डालती हूँ, ताकि आपको कोई हरिस ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना दे सके, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, एंड तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था, लगाया था मेरे चेहरे पर, मैंने जैसे बताया कि मेरे फेस पे उसी का नतीजा है, तो मैं सेकेंड बार नहीं लगाना चाहती उस चीज को। और जो लोगों पे ट्राई किया उसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो दिल से सॉरी बोलती हूँ। कोई साइड इफेक्ट नहीं, मुझ पर ट्रस्ट करिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल आपके पास हो, मेरे पास पतंजलि के बहुत छोटे से, मैं एलोवेरा जेल बहुत, जैसे खाने का नहीं होता वैसे यूज करती हूँ, मुझे एलोवेरा जेल बहुत अच्छा लगता है, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है एलोवेरा जेल। ठीक है, तो आपको सेकेंड चीज क्या करनी है, ये मेरे पास स्पॉन्ज का मॉइस्चराइजर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जेल बेस में है, दिखता तो क्रीम ही जैसे है लेकिन दिखता है ये जेल बेस में ही। तो ये क्रीम जो आप लगाते हो, आपकी कोई भी ड्राई स्किन वाले हो, कोई क्रीम लगाते हो, सेंसिटिव स्किन वाले हो, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, कोई भी स्किन टाइप जो आप क्रीम रेगुलर लगाते हो, वही क्रीम, अगर आपके पास क्रीम नहीं, कोई मॉइस्चराइजर तो लगाते होंगे ना, क्योंकि मॉइस्चराइजर स्किन के लिए कितना अच्छा होता है आपको पता है। ठीक है, तो आप वही मॉइस्चराइजर ले लीजिएगा एक चम्मच अपने फेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको वही लेना है, और जो है एक चम्मच उसमें एलोवेरा जेल ले लेना, अगर आपके पास प्लांट है तो प्लांट का भी ले सकते हो एक चम्मच। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, एक से दो ड्रॉप लेमन डालनी है, अदरवाइज अगर आपको हरिस करता नुकसान करता तो उसको स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं उसको ऐड करना, उससे भी ना डालने से भी बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा लगेगा आपको, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, और पार्टी फंक्शन के लिए रेडी हो सकते हो, और टाइम टू टाइम आपकी स्किन ग्लो, यंग, झाइयां नहीं पड़ेंगी, रिंकल्स नहीं होंगे, डार्क सर्कल जाएंगे, इससे बहुत सारे चीज रिड्यूस होंगे, आप स्किन हाइड्रेट रहेगी, लाइटनिंग रहेगी आपके फेस पे, एक जो बोलते हैं चमक रहेगी। ठीक है, स्किन बहुत ही अच्छी दिखेगी आपकी। तो इसको जो है अच्छे से मिक्स करके पूरे फेस पे, आइस को छोड़ करके पूरे फेस पे अप्लाई करना, मैंने बहुत सारे फेस पे डाल रखे हैं वीडियो, तो आप उसको देख लीजिएगा, जो है पूरे फेस पे अपने अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छे से अप्लाई करना है, आपको 10 मिनट तक छोड़ना है, 10 मिनट बाद आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। डेली कोई भी फेस पैक लगाओ, डे में मत लगाओ, नाइट में लगाओ जरूरी है। ठीक है, तो आप नाइट में लगाइए, जो हफ्ते में दो बार लगाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छा ये इफेक्ट करेगा, मतलब अच्छा लगेगा, आपको खुद ही दिखने लग जाएगा, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। अपने ही मॉइस्चराइजर क्रीम में आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करके ही लगाना है, बहुत ही अच्छा है रेमेडी है। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, मैं बैठी हूँ, मैं पूरी 100% गारंटी लेके कह रही हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा ये। ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करो, जल्दी से क्या कर रहे हो यार, आप एक लाइक तो कर सकते हो, अगर लाइक आपका, एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका लाइक, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, नहीं आती तो डिसलाइक करिए, मुझे कोई वो नहीं है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ही करो। ठीक है, अगर लेकिन पसंद आ जाती है तो प्लीज एक बार लाइक करिएगा, नहीं लाइक कर सकते पहले तो आप उस रेमेडी को ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद जाके लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए मुझे अच्छा सा, आपको कोई भी वीडियो देखनी है मुझे रिक्वायर कर दीजिए, मैं आपको बना दूंगी वीडियो, मैं हर कमेंट पर रिप्लाई जरूर देखती हूँ, मैं दिल नहीं देती हूँ, मैं खाली रिप्लाई देती हूँ, दिल के साथ साथ रिप्लाई भी देती हूँ 100%। मैं सोचती हूँ किसी का कोई भी परेशानी, अगर मैं उस चीज नॉलेज है मुझे तो मैं उस चीज को शेयर करूं, उस चीज को बताऊं, उसके मैं काबिल बन सकूं, सॉरी। तो ठीक है, तो चलती हूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगले वीडियो में आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।